हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल कुकिंग हिंग्स पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मूंगफली की चटनी बनाकर दिखाऊंगी, जो ये स्पेशल इडली और डोसा पर इसे पसंद किया जाता है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को दबाएँ ताकि हमारे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो आपसे हमें एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखें, बीच में कहीं भी स्किप नहीं करें, नहीं तो जो आप चटनी बनाएंगे वो परफेक्ट नहीं बन पाएगा। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ले लिए हैं एक कटोरी मूंगफली, ये कच्चा मूंगफली है, मूंगफली के दाने हैं। यहाँ पर दो सूखी लाल मिर्च और यहाँ पर हम 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, और ये हम दोनों को अच्छी तरह से हम अब बिना तेल रखे ही इसे फ्राई करना है। तो हम यहाँ पे गैस पे एक पतीला या फिर आप कोई एक पैन ले सकते हैं और उस पर हम बादाम रखेंगे, उसे हमें रोस्ट करना है बिना तेल रखे। यहाँ पे गैस का फ्लेम अब बिल्कुल हम लो कर दिए हैं, नहीं तो ये हाई फ्लेम पर जल जाता है। और यहाँ पे हम इसी में दो सूखा मिर्च और जो लहसुन की कलियां हैं उसे डालेंगे, और इसके साथ ही तीनों को हम ड्राई ही फ्राई कर लेंगे। सेक लेना है हमें इसे बहुत अच्छी तरह से, गैस का फ्लेम लो कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से अब सेक लिए हैं, ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये कुक हो गए हैं। अब हम इसे किसी बड़ा सा बर्तन या फिर परात में इसे डाल देंगे ताकि ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाए। अगर हम इसमें रखेंगे तो ये ठंडा भी नहीं होंगे और जो हीट है इतना कि जल जाएगा। तब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम एक नींबू लेते हैं और इसका रस निचोड़ लेंगे। तो हम यहाँ पे एक नींबू का रस निचोड़ ले रहे हैं, उसका बीज और ऐसे हम छान लेंगे। इस तरीके से हम इसे साइड कर देंगे और फिर यहाँ पे ये बहुत अच्छी तरह से अब ठंडा हो गया है। तो हम इसमें का जो लहसुन और सूखा मिर्च डाले थे उससे पहले हम साइड कर लेंगे इसे, यहाँ पे इसे साइड कर लिया। अब हमें यहाँ पे मूंगफली के जो छिलके हैं उसे उतारने हैं। तो इस तरीके से हम हाथ से मस लेंगे तो बहुत ही आसानी से इनके छिलके उतर जाते हैं, ये देखिए। इससे भी पता चलता है कि कितना अच्छा से ये कुक हुए हैं। तो इस तरीके से हम अगर करें तो छिलके अपने आप बाहर आ जाते हैं, ये देखिए। तो हमें इस तरीके से अच्छी तरह से इसे फ्रेश कर लेनी है, और ये देखिए कितना अच्छा से फ्रेश हुआ है। तो अब हम एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें हम मूंगफली के दाने डालेंगे जिसे हम रोस्ट किए थे। और यहाँ पे इसी में हम सूखी मिर्च की डंठल हटा देंगे और ये लहसुन जिसे हम सेके थे वो सब डालेंगे, और इसमें हम नींबू का रस निचोड़े थे वो डाल देंगे, और यहाँ पे हम नमक डालेंगे। अगर आप चटनी ठीक बना रहे तो नमक कम डालें, अगर आप पतला बना रहे तो थोड़ा सा नमक ज़्यादा डालें। नमक आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। और यहाँ पे हम पानी डालेंगे, इतना पानी डालेंगे कि ये अच्छी तरह से इसका जो पेस्ट है वो बन जाए। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी तरह से हम चटनी को ग्राइंड कर लिए हैं मूंगफली के। तो अब हम इसे किसी बाउल में निकालेंगे। आप चाहे तो इस चटनी को सर्व कर सकते हैं, ये तैयार है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। तो हम वही वाले पैन लेंगे जिसमें हम इसे फ्राई किए थे मूंगफली को, उसी में थोड़ा हम 1 चम्मच तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं, और इसमें हम सरसों के दाने डालेंगे, काला वाला सरसों या फिर आप पीला वाला भी सरसों ले सकते हैं। यहाँ पे हम पीला वाला सरसों लिए हैं, और यहाँ पे हम
सरसों को अच्छी तरह से चटकने देंगे। उसके बाद एक चम्मच छोटी चम्मच से हम इसमें जीरा डालेंगे, इससे भी हम चटकने देंगे। और हम इसमें अब सूखा मिर्च नहीं डालें क्योंकि हम ऑलरेडी डाल दिए हैं, तो यहाँ पे आप इसमें डाल दें और इसे अब मिक्स कर दें अच्छी तरह से। तो ये लीजिए, अब ये हमारा मूंगफली की चटनी तैयार है। आप इसे इडली, डोसा या फिर चावल की रोटी या फिर गेहूं की रोटी, आपको जो अच्छा लगता है उसके साथ ले सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।